हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपनी जो मैंने सीड्स लगाए थे वो और जो कटिंग्स लगाए थे उनकी कुछ अपडेट देती हूँ आज आपको मैं। और ये देखिए, ये आपको मेरे गुलदाउदी दिख रहे हैं जो मेरे पिछले साल के हैं। अब इनमें देखिए फूल खिलने शुरू हो रहे हैं। और भी गमले हैं बहुत सारे, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। आज आपको मतलब सीडलिंग दिखाती हूँ अपने, उस पर बात करती हूँ। चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ था। अलाइसम की सीडलिंग्स हैं, इनकी मैंने थोड़ी थिनिंग भी करी है। थिनिंग मतलब बीच बीच में से पौधे निकाल के ये देखिए ये लगाए हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहे होंगे। ये जगह जगह गमलों में मैंने इनके इधर भी लगाए हैं, देखिए ये तो अभी लगाए हैं। तो ये थोड़े से अभी इनको पानी वानी दूंगी। और ये देखिए, ये इतनी छोटी छोटी को ये देखिए ये मैंने लगा दिया है। इधर भी देख रहे होंगे आप, ये लगा दिए हैं। तो ये देखिए अलाइसम के हैं। और दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए ये जो है ये थाइमोफिला के सीड्स गिर के देखिए अपने आप छोटी छोटी सीडलिंग्स लगी हुई है। इनको भी अभी मैं ट्रांसप्लांट करूंगी, और कुछ को मैंने किया भी है। ये देखिए इस गमले में ट्रांसप्लांट किया भी हुआ है मैंने, एक दो थोड़े बड़े पौधे हो गए थे उनको, ये देखिए। और ये मैं कटिंग लाई हुई हूँ सिनेरेरिया की, कटिंग नहीं सॉरी पौध लाई थी, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ना बड़े पौधे दिखा देते हो, आपको कुछ नहीं आता है और आप छोटे सीडलिंग क्यों नहीं लाते हो। तो इस बार मैं सीडलिंग भी बहुत लाई हूँ। और ये देखिए, ये भी मैंने, मुझे याद भी नहीं आ रहा जो सीड्स मुझे मिल रहे थे। जैसे आप लोगों को पता ही है मैं बहुत ज्यादा सीड्स में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ, लेकिन इस बार फिर मैंने सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा इस बार सीड्स भी लगाते हैं। तो देखिए ये भी मैंने कोई सीड लगाए हैं। प्लांट्स जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा और ट्रांसप्लांट करूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगाई हुई थी, देखिए ये कटिंग लग गई है। ये इसकी कोलियस की कटिंग लगाई हुई है, देखिए ये भी लग गई है। अगर मेरा मन कर रहा है इसको आपको दिखाऊं निकाल के रूट्स निकली हुई, तो दिया मना कर रही है कि खराब हो जाएगा पौधा। तो ये देखिए छोटी छोटी मैं पिटूनिया के पौध लाई हूँ, वो लगाई है। और एक इस गमले में देखिए, इस गमले में ये पौध लगाई हुई है मैंने, ये वाली ये डाले हुए हैं। अब ये पता चलेंगे किस चीज की, ये तो मुझे खरपतवार लग रही है। ये पौध लगाई हुई है मैंने, और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत लगाए हुए हैं। अब मेरे को ऐसा जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, जो जहां दिखा मैंने इस बाली में लगा दिए हैं। अब ये बड़े होंगे तो मुझे पता चलेगा किस चीज के हैं। और ये देखिए, ये सीडलिंग्स हैं, और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नस्ट्रोशियम है, इसमें से ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसमें से यहाँ से 8-9 पौधे यहाँ से उखाड़ लिए हैं। ये आपको उखाड़े हुए का निशान भी दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये अभी मैंने लगा दिए हैं अलग अलग गमलों में। और ये देखिए, ये छोटे छोटे कोई पौध निकल रहे हैं। एक्चुअली इसको मैंने बहुत ज्यादा छाया में रख दिया था, और शायद इसका ड्रेनेज मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगा। ये इसमें ये ऊपर जो है वो आ रही है, एल्गी आ रही है। तो वैसे तो ये बहुत वेल ड्रेन्ड है, पर अब इसमें निकलने शुरू हुए हैं। ये देखिए, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पौधे आपको कुछ दिख रहे होंगे। अब मैंने इनको फुल धूप में रख दिया है ताकि ये अब लग जाए। और ये देखिए, जो मैं आपको कह रही हूँ सुबह मैंने अभी लगाए हैं, ये देखिए ये वाले, ये है, ये लगाए हैं। ऐसे मैं अभी 7-8 पौधे ऐसे लगा चुकी हूँ अभी। ये अलाइसम के लगाए हैं, देखिए इसमें मैंने थोड़े नीचे रहने दी, इसमें कम थी मिट्टी, ऐसे लगा दिए प्लांट ऊपर आके ऐसे। अलाइसम बहुत सुंदर लगते हैं व्हाइट कलर के, इसकी मैं एक दो बास्केट्स भी सोच रही हूँ बनाने की। ये देखिए, ये भी बहुत सारे सीडलिंग्स, बहुत टाइनी टाइनी से बहुत स्मॉल है। देखिए आपको कैमरे में दिख रहे होंगे, और आंखों से ये बहुत ज्यादा दिख भी नहीं रहे हैं। इसमें पूरे में मैंने लगा दिए थे ये, मैं मेरे पास जैसे लास्ट ईयर के भी जो मैंने सीड्स ही तोड़ के रख लेती हूँ, मतलब मैं सेपरेट नहीं इकट्ठा करके रखती हूँ। एक्चुअली मैं वैसे भी फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ, मैं ज्यादा
आप जानते हो लगाती नहीं हूँ, मेरे को मेरे में इतना पेशेंस नहीं होता। तो वो सारे थे और कुछ मैं शिमला से लेके आई थी फूलों के बीज। ये देखिए नास्टेशियम का तो इतना बड़ा हो गया, ये बड़ा बहुत जल्दी होता है नास्टेशियम का प्लांट पौधा सॉरी सीडलिंग। तो अब देखिए ये छोटे छोटे टाइनी टाइनी से निकल रहे हैं, इनमें खूब है, इसमें डायंथस के भी हैं और वहां से जो लाई थी वो मेरे ख्याल पॉपी के भी हैं और बहुत सारे सीडलिंग्स हैं इसमें। और अब ये थोड़ा सा देर से लगाए हैं मैंने, टाइम लेंगे, निकलना शुरू हो गए हैं। अब ये हफ्ता तक थोड़ा इस साइज के होंगे कि मैं उनको थोड़ा ट्रांसप्लांट कर सकूं। तो ये देखिए बहुत सारे सीडलिंग्स हैं, ये देखिए ये सीड ग्रोन दिखाती हूँ आपको, अडेनियम है, एक और सीड ग्रोन अडेनियम है मेरा, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक ये सीड ग्रोन मेरा अडेनियम है, बड़ी स्लो ग्रोथ हो रही है इसके, बहुत टाइम हो गया इसको, आप लोग देखते भी रहते होंगे। ये दो मेरे सीड ग्रोन बच्चे हैं, मैं बहुत ज्यादा केयर नहीं करती हूँ। ये एस्टर देखिए, ये एक दो और ये तीन एस्टर के प्लांट्स हैं। मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये मैंने सीड लगाए थे वो बड़े गमले के बेस पे, तो मेरे हस्बैंड ने वो खरपतवार वीड सोच के उखाड़ दिए। ये तीन पौधे बचे थे और देखिए अब इनमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। एस्टर के सीड्स कलेक्ट करने की वीडियो भी बनाया था मैंने। और ये एक और चीज दिखाऊं, ये देखिए ये मैं स्टॉक के भी छोटे छोटे सीडलिंग्स ही लाई थी। ये देखिए हमारे यहाँ छोटे छोटे सीडलिंग्स 10-10 रुपए के मिलते हैं, ये चार सीडलिंग स्टॉक के लाई थी मैं, वो लगाए हैं। और ये भी लाई थी एक, इसका भी सीडलिंग था, ये डाइमॉर्फो का है, ये डाइमॉर्फोथिका, ये स्टॉक के सीडलिंग्स लाई थी मैं। ये देखिए मैंने कैलिब्रोकोआ के सीड्स लगाने दिखाए थे और उस पर वीडियो भी डाला था। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, इसीलिए मैं ऑनलाइन कम मंगाने की फेवर में रहती हूँ। ऑनलाइन कई बार क्या होता है, सीड्स जो है ना वो पुराने दे देते हैं वो लोग, तो पुराने सीड्स जो है काफी महंगे मंगाए थे ये मैंने। और पुराने सीड जो होते हैं उनमें वायबिलिटी कम होती है, तो जितनी कम वायबिलिटी होगी उतना जर्मिनेशन रेट कम होता है। देखिए अब हो जाए तो, अब मैंने इसको धूप में रखा है थोड़ा सा, पहले छाया में थे, तो इसमें चार पांच ही पौध देखिए निकली है। और देखते हैं अभी और निकल जाए तो, अभी तो चार पांच ही निकली है। ये देखिए गुलदाउदी की कटिंग्स हैं, ये अभी मैंने इस साल जो गुलदाउदी की कटिंग्स मैंने इस बार कम लगाई हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गमले बहुत हो गए थे। तो ये वाला जो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी गुलदाउदी की कटिंग्स पे, ये और ये इस दो में मैंने कटिंग्स थोड़ी बहुत लगाई थी बस। वो देखिए इनमें भी कटिंग्स बड़ी हो गई हैं, कितनी कलियां आ रही हैं देखिए। और ये मैंने लास्ट ईयर जो प्लांट्स रखे थे, इस बार मैंने कटिंग्स कम लगाई हैं गुलदाउदी की, पुराने प्लांट्स को ही प्रिजर्व करके रख के। फिर मैंने सोचा पुरानों को फेंकूंगी, फिर कितने लगाऊंगी, ऑलरेडी अभी ये कितने गमले हो गए हैं, 8 गमले 9 गमले तो यहीं पड़े हैं ये। और फिर मेरे पास इतनी जगह नहीं होती है कि मैं बहुत ज्यादा कर लूं। तो ये देखिए ये आपको इस टाइम मेरे पास इस बार 8-9 वैरायटीज हैं गुलदाउदी की इस बार। और थोड़ा अच्छी तरह ये ब्लूम करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो गुलदाउदी दिखाते हुए बनाऊंगी, अभी तो ये कलियां हैं। और ये देखिए ये मैंने आपको मॉनसून सीजन में बताया था कि मॉनसून सीजन में हम कैसे प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कुछ कटिंग्स लगा के दिखाई थी। देखिए ये ड्रेसिना की कटिंग है, ये पेडिलेंथस की है, ये तीन वैरायटीज, चार वैरायटीज, वन टू थ्री एंड फोर, ये चार वैरायटीज जो हैं वो इरांथिमम के। मुझे पता नहीं क्या अपना प्लांट एकदम कैमरे के सामने नाम ही बोल जाता है प्लांट का। इरांथिमम की चार वैरायटीज हैं, 1, 2, 3 और ये चार। और ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, ये कितना अच्छी तरह से चल रहा है। और ये देखिए ये अरेलिया की कटिंग्स लगाई हैं मैंने, अरेलिया की कटिंग की थी प्लांट की, तो जो निकली थी देखिए अब इनमें भी स्प्राउट्स आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये स्प्राउट्स आने शुरू हो गए हैं इनमें भी,
और ये इसमें भी है, यहाँ शायद स्प्राउट है, ये नहीं। तो ये सारी कटिंग्स भी चल पड़ी है। इधर से देखिए, इसमें भी ये स्प्राउट है, इसमें भी ये दो स्प्राउट्स हैं। तो ये कटिंग्स भी चल गई हैं। और एक मैं आपको जीजी की कटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए जीजी, ये देखिए यहाँ इसकी और पत्तियां निकल रही हैं। जीजी भी लीफ से ग्रो करता है। अब चलिए चेक करते हैं ये वाली लीफ जो है, ये शायद मैंने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी देखिए रूट्स आ रही हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको। मुझे लग रहा है ये जो प्लांट है ना, ये जो आपको दिख रहा है वो इस लीफ से निकला हुआ है। चलिए चेक करते हैं, अच्छा लगता है देखने में अगर इसी से होगा तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी और मुझे भी कर करके पता चलता है इसमें। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये इस लीफ से, देखिए ये जो मैंने लीफ लगाई थी इससे निकला है ये वाला प्लांट। ये देखिए, ये लीफ लगाई थी मैंने। चलिए और देखते हैं इसको, तो बहुत गहरा गया हुआ है। ये देखिए, मैंने ये वाली लीफ लगाई थी, ये वाली। अब इसका क्या प्रोसीजर हुआ है, ये देखिए इस स्टेम में और इस लीफ में से शायद ये निकला हो और ये बल्ब बना है और इस बल्ब में से और नया प्लांट निकल रहा है। ये देखिए जीजी की ग्रोथ कितनी क्यूट लग रहा है, ये इतना सा प्लांट निकला हुआ। ये देखिए रैंथिमम की कटिंग्स इसमें लगाई हुई है, ये ग्रीन वाले रैंथिमम की है देखिए। और इसमें तो अभी फ्लावर्स भी आए हुए थे, दो तीन दिन से थे, आज नहीं है इसमें फ्लावर्स। देखिए ये भी अरेलिया की कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये अच्छी तरह चल पड़ी हैं। और ये एक में ही मैंने खूब सारे लगा दिए हुए हैं, अरेलिया और स्पाइडर प्लांट। ये देखिए एग्लोनिमा लिपस्टिक का मैंने बेबी प्लांट अलग किया हुआ है। ये देखिए, ये एशियाटिक लिली के बल्ब्स लगाए थे मैंने, जो देखिए अब इनमें से कुछ में तो कलियां भी आने लग गई हैं। ये देखिए, ये इसमें बर्ड्स आ रही हैं, इसमें बर्ड्स आ रही हैं, ये सारे बल्ब्स स्प्राउट हो गए हैं जितने मैंने आप लोगों के साथ लगाए थे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने और ये बॉल देखिए उस दिन आपके साथ बनाया मैंने बॉल, और ये पिटूनियाज लगाए हैं इसमें देखिए। अब देखिए अभी तक तो ये चल रहे हैं और अगर इनकी इक्वल ग्रोथ हुई तो ये कवर हो जाएगा। और देखते हैं, शेयर करूंगी आपके साथ जैसा ये ग्रो करता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम लगाए हैं इसमें ये पौधे और अच्छी तरह मैं चाहती हूँ ये ग्रो हो जाए, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको कुछ अपने सीड्स जो मैंने लगाए हैं, सीडलिंग दिखाए हैं, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा डाउट नहीं रहे कि मैं खाली प्लांट्स इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे सीड्स लगाने नहीं आते, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा समझा करें कि ये राजस्थान है, यहाँ पे मुश्किल होता है गर्मी ज्यादा देर तक, ठंड बहुत छोटे टाइम के लिए पड़ती है हमारे यहाँ। तो यहाँ मैं सीड लगाऊं उगाऊं तब तक फिर आप लोगों को, बाकी लोगों के तो सबके ओवरव्यूज दिख जाएंगे बड़े प्लांट्स, तो मेरे यहाँ टाइम लगेगा मुझे, इसलिए मुझे मजबूरन प्लांट्स लाने पड़ते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, सीड्स में कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर आपको मौसम आपका फेवरेबल है तो सीड्स लगाना बहुत आसान काम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।